स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करने जा रहे हैं बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम और जूलॉजिकल पार्क, या जिसे हम जू के नाम से भी जानते हैं। सो आज हम टैक्सोनॉमिकल टूर में डिस्कस करने वाले हैं बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम और जूलॉजिकल पार्क के बारे में और समझेंगे कि तीनों चीज़ें होती क्या क्या हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले बॉटनिकल गार्डन की। तो बॉटनिकल गार्डन होता क्या है? सो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सो बॉटनिकल गार्डन आर एक्स सिटी कंजर्वेशन इंस्टीट्यूशन फॉर मेंटेनिंग द लिविंग प्लांट कलेक्शन ऑफ डाइवर्सिफाइड ओरिजिन इन अ मेन मैनेज हैबिटेट। ठीक है, ये तो हो गई बॉटनिकल गार्डन की डेफिनेशन। अगर इसे हम समझना चाहें तो क्या है ये डेफिनेशन, हमसे क्या कहना चाहती है? तो डेफिनेशन हमसे कहना चाहती है कि बॉटनिकल गार्डन क्या है, एक्स सिटू कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट है, जो कि क्या करते हैं लिविंग प्लांट को कलेक्ट करके और उससे लिविंग प्लांट को अलग अलग डाइवर्सिफाइड यानी वेराइटी ऑफ लिविंग प्लांट और अलग अलग ओरिजिन से ला के मेन मैनेज हैबिटेट में रहती है। सिंपल सी डेफिनेशन इतना कहना चाहती है कि बॉटनिकल गार्डन क्या होता है। सो अब बात करते हैं कि बॉटनिकल गार्डन में ये एक्स सिटू कंजर्वेशन होता क्या है, ये एक्स सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या है। सो जो एक्स सिटू कंजर्वेशन का मीन्स होता है, पहले तो समझिए एक्स सिटू और इन सिटू में क्या डिफरेंस है। अब फर्स्ट थिंग क्या कि अगर मान लीजिए आप कहीं जंगल में गए, फॉरेस्ट में गए और आपने किसी एनिमल को वहां से किसी एनिमल को उठाया और एनिमल को उठाने के बाद आपने क्या किया कि उसको आप अपने घर में लेके आए और आपने क्या किया उसे अपने घर में पालना शुरू कर दिया, आपने क्या किया उसको फॉरेस्ट जैसा इन्वायरमेंट आपने अपने घर में देना स्टार्ट किया। सो इस तरह के जो इसको क्या बोलते हैं एक्स सीटू। अगर आप कहें कि आप एनिमल को इन सीटू का मतलब क्या, आप एनिमल को उसी जगह पे अपने मेन मैनेज हैबिटेट में उसी के जैसा हैबिटेट प्रोवाइड करना चाहते हैं। हैबिटेट का मीन्स क्या, हैबिटेट का मीन्स मतलब जिस तरीके से वो रहता है उसी हैबिटेट में उसको सारी चीज़ें प्रोवाइड करना या फिर उसी उसके हैबिटेट से निकाल कर मेन मैनेज हैबिटेट में मतलब मैन के द्वारा बनाया गया जो हैबिटेट है वहाँ ले आकर मेंटेन करना, इसी को बॉटनिकल गार्डन कहते हैं। सो आपको एक्सिटी का मतलब समझ में आया, एक्सिटी का मीन्स क्या है कि आपने जंगल से ला के कहीं दूसरी जगह पे उसे कंजर्व किया है। अब यहाँ पे कंजर्वेशन टर्म इसलिए आया क्योंकि कंजर्वेशन का मीन्स क्या है कि जो प्लांट है, आपको पता है बॉटनिकल गार्डन लिविंग प्लांट के लिए होता है, जानवर तो होते नहीं बॉटनिकल गार्डन में, बॉटनिकल गार्डन आपको समझ में आ रहा है कि प्लांट के बारे में बात हो रही है। सो जो कंजर्वेशन का मीन्स क्या होगा कि कंजर्वेशन का मीन्स होगा कि जो प्लांट है वो लिविंग होंगे। सो बॉटनिकल गार्डन में क्या होता है, हम अलग अलग ओरिजिन से मतलब अलग अलग एरिया से क्या करते हैं प्लांट को लिठा के लाते हैं और उसे मेन मैनेज हैबिटेट में रखते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, बॉटनिकल गार्डन कह देते हैं। अब कुछ एग्जांपल है बॉटनिकल गार्डन जो आपको पता होना चाहिए, जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि कहाँ का है। सो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले जो गार्डन है एग्जाम्पल में रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो कि क्यू इंग्लैंड में है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो कि सिरपुर कोलकाता में है और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, इसको NBRI भी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म लिखा है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ये बॉटनिकल गार्डन कुछ इंपॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन है जो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है। ठीक है, अब बात करते हैं रोल के बारे में, बॉटनिकल गार्डन का रोल क्या है। सो बॉटनिकल गार्डन का क्या रोल है कि जो प्लांट मटेरियल, जब आपको पता है कि ये जो बॉटनिकल गार्डन क्या है, टैक्सोनॉमिकल टूल है, टैक्सोनॉमिकल ऐड है, तो ये क्या करेगा, टैक्सोनॉमी स्टडी में हेल्प करेगा। सिंपल सी बात, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। ठीक है, और ग्रोइंग एंड मेंटेन रिकॉर्ड लोकल फ्लोरा। ठीक है, लोकल फ्लोरा को रिकॉर्ड करने के लिए, ग्रोइंग और मेंटेन करने के लिए, मतलब उसे ग्रो करना और मेंटेन करने के लिए यूज होता है बॉटनिकल गार्डन। और फंक्शनिंग एंड एक्लिमेटेशन सेंटर फॉर एक्जोटिक प्लांट फॉर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए एक्जोटिक प्लांट को फंक्शनिंग करवाना है, फिर उनको कह सकते हैं प्रिजर्व करना, इसी ये इसका रोल होता है। बात करते हैं आगे के बारे में, तो ग्रोइंग प्लांट ऑफ वेरियस टाइप फॉर रिसर्च, अलग अलग तरीके के प्लांट को रिसर्च के लिए ग्रो करवाना और कोऑर्डिनेटिंग रिसर्च थ्रू, और ये बॉटनिकल गार्डन क्या है, कोऑर्डिनेटिंग रिसर्च थ्रू किसके थ्रू करता है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बॉटनिकल गार्डन के साथ ये मिलके रिसर्च करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, सीड प्रोवाइड करता है, लिविंग मटेरियल प्रोवाइड करता है रिसर्च सेंटर के लिए। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट रोल है जो आपको पता होना चाहिए। मोस्टली रोल क्या है कि ये टैक्सोनॉमी में हेल्प करता है, रिसर्च के लिए प्लांट को ग्रो करवाता है और रिसर्च के लिए ही सीड और लिविंग मटेरियल का प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट रोल है बॉटनिकल गार्डन के। अब बात करते हैं जूलॉजिकल पार्क। सो जूलॉजिकल पार्क की डेफिनेशन यहाँ दी गई है, तो जूलॉजिकल पार्क होता क्या है। सो जूलॉजिकल पार्क आर गार्डेड एरिया वेयर एनिमल आर प्रोवाइडेड विद कंडीशन एज क्लोज एज पॉसिबल टू द नेचुरल हैबिटेट। द पार्क ऑल्सो हेल्प टू नो अबाउट वाइल्ड एनिमल एंड देयर बिहेवियर एंड हैबिटेट। ठीक है,
एक सी टू कंजर्वेशन होता है। एक सी टू अभी मैंने आपको पहले समझाया बॉटनिकल गार्डन में एक सी टू क्या होता है, तो आपको ये समझ में आएगा कि एक सी टू मतलब कहीं फॉरेस्ट में जाके कहीं मैन मैनेज्ड हैबिटेट में उसे प्रिजर्व कर रहे हैं, उसको नेचुरल इन्वायरमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं मैन मैनेज्ड हैबिटेट में। सो जूलॉजिकल पार्क क्या है? तो जूलॉजिकल पार्क एक गार्डेड एरिया, गार्डेड एरिया नहीं, हम यहाँ पे कंजर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है। किसका कंजर्वेशन कर रहे हैं? एनिमल्स का कंजर्वेशन है। एनिमल में भी किसका कंजर्वेशन कर रहे हैं? एनिमल में भी हम कंजर्वेशन कर रहे हैं वाइल्ड एनिमल का, इनडेंजर्ड एनिमल। अब वाइल्ड एनिमल तो आपको पता है कि जंगली जानवर का हम कंजर्वेशन कर रहे हैं, ये इनडेंजर्ड एनिमल क्या होता है? सो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा इनडेंजर्ड एनिमल क्या होता है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि इनडेंजर्ड अनडेंजर्ड एनिमल मीन्स जो जिनकी जो प्रजाति वो खत्म होने पे है, जिसकी जो स्पीसीज एंड होने पे है, उसी एनिमल को हमने इनडेंजर्ड एनिमल के में रखा है, ठीक है। इनडेंजर्ड एनिमल कैटेगरी में रखते हैं। सो इनडेंजर्ड एनिमल का यहाँ पे प्रिजर्वेशन होता है, वाइल्ड एनिमल का भी प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन होना सॉरी कंजर्वेशन होता है, प्रिजर्वेशन तो नॉन लिविंग थिंग्स का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंजर्वेशन होता है इन सब का, और इसको क्या कहते हैं, इनके जो नेचुरल हैबिटेट, जहाँ मतलब आपको पता है कि जंगल में शेर कैसे रहता है, सो मेन मैनेज हैबिटेट में यानी कि जूलॉजिकल पार्क में भी उसको कहते हैं, जूलॉजिकल पार्क में भी उसे इस तरीके से रखा जाए कि उससे लगे कि ना कि वो जंगल में नहीं है, क्योंकि उसे नेचुरल इन्वायरमेंट में रहने की आदत थी, उसे नेचुरल इन्वायरमेंट देने की पूरी कोशिश की जाती है जहाँ तक दिया जा सकता है मेन के द्वारा, ठीक है। इसलिए जूलॉजिकल पार्क बनाए। अब जूलॉजिकल पार्क जो आपने देखे भी होंगे, बहुत सारी जगह होते हैं घूमने के लिए आप जाते हैं छोटे छोटे बच्चे, ठीक है। तो एम क्या है जूलॉजिकल पार्क का, तो वो समझते हैं। जो एम है जूलॉजिकल प्रोवाइड क्या करता है, नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है एनिमल को, क्योंकि उनको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क क्या करता है, क्योंकि आपको पता है कि जो स्पीसीज खत्म हो जाएंगे इंडेंजर्ड स्पीसीज, उसको बचाना है तो उनको मेन मैनेज हैबिटेट में रखना पड़ेगा, क्योंकि उसको बचाना है, बहुत सारे लोगों से बचाना है, क्योंकि उससे बहुत सारे दुश्मन हैं जो उसको खत्म करना चाहते हैं, स्पीसीज खत्म होती जा रही है धीरे धीरे, तो उनको प्रिजर्व करेंगे तो खत्म नहीं होगी, इसलिए जूलॉजिकल पार्क का ये मेन एम है। मोस्ट जूज आर बीइंग कन्वर्टेड टू जूलॉजिकल पार्क और कंट्रीज मेंटेन जूलॉजिकल पार्क, जू है जूलॉजिकल पार्क में कन्वर्ट हो रहे हैं, जूलॉजिकल पार्क में कन्वर्ट कर देते हैं जूस को, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसमें जूलॉजिकल पार्क में एनिमल की, वाइल्ड एनिमल और इंडेजेंट एनिमल की जू कहें तो आप, जू तो आपने देखा ही है, जू में क्या हो रहा है, जूलॉजिकल पार्क कर रहे हैं ऑल कंट्री मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। इसको फेमिलाइजिंग पब्लिक वाइल्ड एनिमल विथ ऑफस्प्रिंग, यानी कि इससे क्या होता है, जो पब्लिक को और वाइल्ड एनिमल को किसके साथ मिलाया जा रहा है, ऑफस्प्रिंग है ना उनके, जो फैमिली है, ठीक है, जो फैमिली उसको क्या किया जा रहा है, उसको उसको वाइल्ड एनिमल उसके ऑफस्प्रिंग से मतलब फैमिली फैमिली का करवाया जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। इसका एम होता है कि आपको पता है कि लोग देखने जाते हैं तो पता है ये सोर्स ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन, यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं जू उसको देखने, टूरिस्ट आते हैं अलग अलग तरीके के एनिमल को देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं, तो इसीलिए। और इसका मेन रोल क्या है कि पब्लिक को वाइल्ड एनिमल से फैमिलर करवाती है, किस तरीके से एनिमल रहते हैं उनको मिलती जुलती है, ठीक है, इस तरीके से जू में यही होता है। अब कुछ और है, मैं एक्सिटिव कंजर्वेशन थ्रू कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल। अब एक्सिटिव कंजर्वेशन आपको पता है कि कहीं फॉरेस्ट से लाके अब मेन मैनेज हैबिटेट में करना है, तो कैप्टिव ब्रीडिंग का मीन्स क्या होता है? कैप्टिव ब्रीडिंग मतलब कि मैन के द्वारा कैप्चर करके उसको, मैन के द्वारा उसको कैप्चर करके उसकी कंजर्वेशन करने को ही कैप्टिव ब्रीडिंग कहते हैं, ठीक है। बिकॉज कैप्टिव ब्रीडिंग कैलिफोर्निया कैंडर ब्लैक फॉरेस्ट हैव बीन सेव फ्रॉम एक्सटेंशन, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क नियर है वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, जूलॉजिकल पार्क में वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होती है, क्योंकि आपने जूलॉजिकल पार्क देखे हैं, आपको ये पता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं म्यूजियम के बारे में। सो म्यूजियम क्या होता है, अगर मैं म्यूजियम की बात करूँ तो म्यूजियम इज अ प्लेस यूज फॉर स्टोरिंग प्रिजर्वेशन एंड एग्जीबिशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, आर्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ एंटिक। ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी मेंटेन म्यूजियम इन देयर बॉटनी जूलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है। अब म्यूजियम क्या है, म्यूजियम भी ऐसी कोई किसी दूसरी जगह पे लाके मैन मैनेज हैबिटेट कहो या कहो किसी प्लेस पे लाके उसको प्रिजर्वेशन कर रहे हैं। यहाँ कंजर्वेशन कम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रिजर्वेशन कम आगे, इसका मीन्स ही क्या है कि यहाँ पे डेड थिंग का प्रिजर्वेशन हो रहा है। सो म्यूजियम इज अ प्लेस यूज फॉर स्टोरिंग प्रिजर्वेशन एग्जीबिशन ऑफ नेचुरल हिस्ट्री आर्ट, मतलब नेचुरल हिस्ट्री आर्ट को प्रिजर्व करने के लिए स्टोर करते हैं म्यूजियम में, ठीक है। और जितने भी उसके अंदर एंटिक पीस भी रखे जाते हैं, ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, और आपको पता है कि एजुकेशन पर्पज़ के लिए म्यूजियम का यूज ही होता है, क्योंकि हमें एजुकेशन पर्पज़ में कैसे हेल्प होता है, क्योंकि हम उसको जो हमारी हिस्ट्री की चीज़ है उससे हम म्यूजियम में जाके स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। एक्सी टू प्रिजर्वेशन का मीन्स क्या है कि इसे हम बाहर से लाके प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। और अगर मैं एग्जांपल बात करूँ तो, और प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीसीमेन का प्रिजर्वेशन होता है किस तरीके से होता है, उसे हम प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में रखते हैं फॉर्मेलिन में, या तो हम उसे
किस फॉर्म में प्रिजर्वेशन होता है स्पेसिमिन का वो दिया गया है यहाँ पे। प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन सॉल्यूशन में रखते हैं, फॉर्मेलिन में रख के उनका प्रिजर्वेशन किया जाता है, उन्हें डाई फॉर्म में रखा जाता है, स्केलेटन का प्रिजर्वेशन किया जाता है, ठीक है। स्टॉप में प्रिजर्व लार्जर एनिमल वर्ड एंड एनिमल्स, ठीक है, वर्ड या यहाँ पे मेमल्स होना चाहिए, आई थिंक मेमल्स होना चाहिए। सो ये क्या है स्टफ एंड प्रिजर्व, स्टफ का मतलब क्या है, स्टफ का मतलब क्या है, आपने सैंडविच खाया, सैंडविच को दोनों तरफ से दबा दिया जाता है, उसी को स्टफ कहते हैं। मतलब इसे किसी ऐसे कंटेनर में जगह जहाँ इसे किसी चीज़ से ढक के या फॉर्म जो सॉल्यूशन है प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन इसके बीच में रखा जाता है, इसलिए स्टफ एंड प्रिजर्व किया जाता है। इसके लार्जर एनिमल को किया जाता है, बर्ड्स को किया जाता है और एनिमल को किया जाता है। इंसेक्ट के लिए क्या करते हैं, इंसेक्ट को हम कलेक्ट करते हैं, फिर उसे किल करते हैं, फिर उसे पिन करते हैं, ठीक है, पिन करने के बाद उसे एक इंसेक्ट बॉक्स में रख देते हैं। तो इस तरीके से प्रिजर्वेशन होता है स्पेसिमेन का। इसके अंदर क्या क्या म्यूजियम में क्या क्या मिल सकता है आपको, अलग तरीके चोच मिल सकती है, बर्ड्स की स्केलेटन मिल सकता है, हाथी के दांत मिल सकते हैं, याक के हॉर्न मिल सकते हैं, डियर के हॉर्न मिल सकते हैं, और अलग अलग तरीके के हॉर्न यानी मतलब सिंग मिल सकते हैं अलग अलग एनिमल के। इस तरीके से मतलब जो भी एंटिक पीसेज हैं उन सबकी कलेक्शन यहाँ पे होता है, उनका प्रिजर्वेशन किया जाता है, ठीक है। सो आई होप कि आपको म्यूजियम भी समझ में आया होगा। अब म्यूजियम की इंपॉर्टेंस क्या है, सो म्यूजियम क्या करता है, प्रिजर्वेशन करता है और अरेंजमेंट करता है फॉसिल रिकॉर्ड का। आपको पता है कि जो भी एनिमल है अगर वो फॉसिल का रिकॉर्ड रखता है, सिंपल सी बात है, फॉसिल का मीन्स क्या है कि हमारे पास जो फ्यूल है मतलब जो भी एनिमल्स जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको हम फॉसिल कह देते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, ओल्ड और न्यू स्पीसीज कैरेक्टर को स्टडी करने में हेल्प करता है, और ये क्या करता है टू हेल्प फॉर रिसर्च ऑफ एंशियंट प्लांट। अब आपको पता है कि इसमें जो हिस्ट्री से रिलेटेड मतलब जो भी पुरानी और सिस्टम है मतलब पुराने सिस्टम का हो या फिर मैं कहूँ पुरानी जो भी थिंग्स है, पुरानी जितनी भी थिंग्स है उन सबको आपको पता है प्रिजर्व करके रखता है, तो उसमें क्या होता है एंशियंट प्लांट की स्टडी कर पाते हैं रिसर्च के लिए, ठीक है, ये हो गया। सो आई होप कि आपको जो बॉटनिकल गार्डन है, जूलॉजिकल पार्क है और म्यूजियम समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीवियस टाइम एट द लास्ट, थैंक यू सो मच।